हेलो एवरीवन, दिस इज अंजन शर्मा एंड टुडे वी विल डिस्कस टेंस दैट इज आल्सो नोन एज एक्टिव वॉइस। विल सी एवरीथिंग इन द डिटेल बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। सो लेट्स कम टू द पॉइंट्स एंड दिस इज अंजन शर्मा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अंजन शर्मा फॉर मोर वीडियोज। आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स रिगार्डिंग VCA सब्जेक्ट्स एंड also English grammar वगैरह। math I will also cover the subject of mathematics because I have interest in the mathematics। you can understand me that I am one of the those who can teach you all of those subject which you need। so just tell me which type of video do you want, but I will according to my schedule I will post you important videos for you। so without wasting time let's continue to the topic tense। दोस्तों टेंस समय तो नहीं है, लेकिन हम लोग टेंस को समझने के लिए समय के मान लेते हैं कि टेंस क्या है, समय ही है, मतलब कि समय के बारे में बताता है, मान लेते हैं। लेकिन टेंस समय है नहीं, और टेंस का दूसरा नाम है एक्टिव वॉइस। एक्टिव मतलब सक्रिय, वॉइस मतलब आवाज़, सक्रिय आवाज़। तो जी हाँ, प्रेजेंटेशन मैंने ही बनाया है अंजन शर्मा, और मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ अंजन शर्मा। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, टेंस क्या होते हैं भैया? तो टेंस के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन? फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि टेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन, दैट इज फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। फ्यूचर जो आने वाला है, प्रेजेंट जो अभी है, एंड पास्ट जो बीत चुका है। तो टेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन, दैट इज फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। फ्यूचर जो आने वाला है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, एंड पास्ट जो बीत चुका है। अब आइए इस डायग्राम को, सेकंड वाले डायग्राम को देखते हैं कि टेंस में प्रेजेंट को बताया गया है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस क्या है, जो अभी चल रहा है करेंटली। एक लाइन के जरिए उसको शो किया गया है, एरो जो दोनों तरफ बढ़ रहा है, वैसे कॉन्टीन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस मतलब कोई काम अभी चल रहा है, अभी चल रहा है और चल ही रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई काम हो चुका है, मतलब जस्ट अभी हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में ही हुआ है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या? कोई काम चलते आ रहा है और चल ही रहा है। अभी प्रेजेंट में कोई काम चल ही रहा है, जैसे मैं बरसों से यहीं पे रह रहा हूँ, मतलब बरसों से, कौ साल से मैं यहीं पे रह रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि इनडेफिनिट मतलब क्या होता है, जो दोनों तरफ बढ़े। कॉन्टीन्यूअस मतलब कि जो लगातार हो, परफेक्ट मतलब जो कम्प्लीट हो चुका हो, एंड कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट मतलब कि कोई काम जो आप पहले से करते आ रहे हो और वो कंटिन्यूअस हो, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यू। सो एक छोटा सा डायग्राम था जिसके ज़रिए मैंने आप लोग को बताने की कोशिश की। आते हैं टेंस पे। टेंस को 12 तरीके से डिवाइड किया गया, मतलब कि टेंस को तीन तरीके से डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। अब प्रेजेंट को चार सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट को चार सब सेक्शन में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर को भी चार सब सेक्शन में डिवाइड किया गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको याद करने के लिए मैंने जो बगल में डायग्राम रखा है राइट साइड में, उसको समझिए। जैसे टेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा है। मैंने इन सबका रैंकिंग डाल दिया है, जैसे कि आज के बाद आप याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या। वन नंबर पहला टेंस कौन है हम लोग का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा नंबर कौन है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा नंबर टेंस कौन है?
फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस, चौथा नंबर टेंस कौन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पांचवा नंबर टेंस हम लोग का कौन है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, छठा नंबर हम लोग का टेंस कौन है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सातवां नंबर हम लोग का टेंस कौन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आठवां नंबर हम लोग का टेंस कौन है पास्ट परफेक्ट टेंस, नौवां नंबर टेंस हम लोग का कौन है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दसवां नंबर हम लोग का टेंस कौन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ग्यारहवां नंबर टेंस हम लोग का कौन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड बारहवां नंबर हम लोग का टेंस कौन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस चीज़ को आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तो वो एक नंबर पे होगा। ये नंबरिंग याद करने का आपको बाद में फ़ायदा चलेगा, मैं बताऊंगा जब हम लोग इसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बना रहे होंगे ना, तब मैं इसका फ़ायदा आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मेरे बात को मानिए भैया और इन चीज़ों को याद कर लीजिए कि एक मतलब क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दो मतलब क्या पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तीन नंबर क्या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस एंड सिमिलरली ऑल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आते हैं टेंस पे के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये रहा, तो इसको देखते हैं कि टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में चार होते हैं भैया, अभी बताए थे। पहला क्या होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसका एक छोटा एग्जांपल देता है, आई ईट चिकन, इंग्लिश में हो गया, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम ईटिंग चिकन, फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव ईटन चिकन, फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन ईटिंग चिकन, फिर पास्ट में आते हैं, पास्ट में भी चार हैं, उसका भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई एट चिकन, ये हो गया आपका पास्ट इंडिफिनिट। फिर आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई वाज ईटिंग चिकन, फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैव ईटन चिकन, फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन ईटिंग चिकन, फिर आते हैं फ्यूचर पे, फ्यूचर में भी चार आते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, आई शैल ईट चिकन, आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे, आई शैल बी ईटिंग चिकन, फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, आई शैल हैव ईटन चिकन, फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, आई शैल हैव बीन ईटिंग चिकन। तो इस बात को आप समझिए कि मैंने किया क्या कि ये बारहों जो अभी हम लोगों ने नंबरिंग की टेंस की, उस बारहों को मैंने एक एक एग्जांपल दिया, इंग्लिश का एक एक एग्जांपल दिया और बताया कि कैसे मतलब के होता है। जैसे कि प्रेजेंट के चार सबसेक्शन, पास्ट के चार सबसेक्शन, फ्यूचर के चार सबसेक्शन, टोटल कितने हुए 12, तो मैंने 12 का एक एक एग्जांपल आपको इंग्लिश में दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ इंग्लिश में कैसे होते। आते हैं इसका हिंदी भी देख लेते भाई, ऐसा ना हो गया आप कहेंगे यार हिंदी ना बताए, ये तो हो ही नहीं सकता हम हिंदी ना बताए। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हिंदी क्या था, जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था उसी का हिंदी है, मैं चिकन खाता हूँ। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या था, मैं चिकन खा रहा हूँ। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, मैं चिकन खा चुका हूँ। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं चिकन खाता रहा हूँ। फिर आते हैं पास्ट पे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, मैंने चिकन खाया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं चिकन खा रहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं चिकन खा चुका था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं चिकन खाता रहा था। फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, मैं चिकन खाऊंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मैं चिकन खा रहा होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैं चिकन खा चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं चिकन खाता रहूँगा। तो इन चीज़ों से मैंने आपको यह चीज़ बताने की कोशिश की कि कैसे जो हम लोगों ने 12 टेंस देखा, नंबरिंग जो की टेंस की, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और उसको डिवाइड किया, फिर सबको चार चार में इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सबको में हमने हिंदी में देख लिया एग्जाम्पल, इंग्लिश में देख लिया एग्जाम्पल, ये समझ लिया कि उन लोगों का नंबरिंग समझ लिया और टेंस के बारे में जान लिया। अब आते हैं स्ट्रक्चर देख लेते हैं,
अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक चीज़ समझिए कि इनडिफिनिट मतलब जो काम अभी एकदम जो एक एरो के थ्रू हम बता रहे हैं, कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार चल रहा है, परफेक्ट मतलब जो ख़त्म हो चुका है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो परफेक्ट है, जो काम चल रहा है और चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब कंटिन्यूअस से थोड़ा अलग है कि कोई काम परफेक्ट है मतलब कि और वो चल ही आ रहा है, चलते ही आ रहा है। जैसे कि मैं चिकन खाता रहा हूँ, मतलब वो चिकन खाता था और खा ही रहा है, अभी बंद नहीं किया है, अभी चिकन खा ही रहा है वो बंदा, इस चीज़ को बताता है। ये आए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। जी हाँ, ये अपना मेन टॉपिक प्रेजेंट टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो चार चीज़ होते हैं प्रेजेंट टेंस में। पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर। वर्ब क्या होता है, V1 या V5 यानी V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 और V5 किसके साथ लगता है, ये चीज़ मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा स्पेशली। फिर आते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस EJ/R प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी डूअर प्लस EJ/R प्लस वर्ब का फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें इस चीज़ को समझना है कि इसमें डूअर प्लस हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर V3 का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस। सिंस किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड या फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। आते हैं पास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पास्ट का स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, आपको याद रखने हैं। बस आपको सब्जेक्ट पता करना है किसी किसी चीज़ में कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर वर्ब फॉर्म आपको लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि मैं ऊपर आके आप लोग को ये बता रहा हूँ, पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ। फ्यूचर फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। फ्यूचर टेंस का पहला आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है सब्जेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका होगा सब्जेक्ट प्लस सेल विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इसमें तीन चीज़ें आपको मैं पहचानना सिखा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। इसी में देख लेते हैं, इसमें देखते हैं, मैं चिकन खाता हूँ, इसमें मैं जो है सब्जेक्ट हो गया, चिकन जो है ऑब्जेक्ट हो गया, और खाना जो हो गया खाता, खाना जो हो गया वर्ब हो गया। और जैसे कि मैं चिकन खा रहा हूँ, तो इसमें भी मैं हो गया, मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, चिकन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और खा रहा हूँ ये आपका वर्ब हो गया, खाना मतलब वर्ब हो गया। इस चीज़ को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आई ईट चिकन, तो इसमें आई आपका सब्जेक्ट है, ईट आपका वर्ब है V1, एंड चिकन आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हैं दैट आई एट चिकन, इसमें आई आपका सब्जेक्ट है, एट आपका वर्ब है एंड वर्ब 2 है, एंड चिकन आपका ऑब्जेक्ट है।
तो इस तरह हम वर्ब को पहचानते हैं सब्जेक्ट को। एक बात याद रखिए कि जो सब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग डूअर कहते हैं। एग्जैक्टली डूअर होता नहीं है बट सब्जेक्ट ही डूअर करता है, मतलब कि काम लगभग वही करता है बंदा, इसलिए उसको डूअर भी कहते हैं। इस चीज़ को ये शायद ये चीज़ें आपको जब मैं एक्टिव और पैसिव दोनों साथ में पढ़ाने वाला हूँ तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं सच बोल रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। ये टेंस है, ये टेंस का आपका टोटल चीज़ कवर हो गया, बट अब एक नए जरिए से मैं टेंस को पढ़ाऊँगा जिसमें टेंस के सब कुछ होंगे और टेंस को एक्टिव वॉइस के नाम से हम लोग जानेंगे और उसी को पैसिव वॉइस से कन्वर्ट करते जाएंगे। मतलब एक स्लाइड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तरफ एक्टिव वॉइस रहेगा एक तरफ पैसिव वॉइस रहेगा, और पूरे सब फॉर्म को डिस्कस करेंगे। जैसे एक सेंटेंस को 6 तरीके से लिखे जाते हैं उस तरह के सबको डिस्कस करेंगे। तो आने वाले वीडियो में इसका वेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, ये वीडियो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, क्योंकि टेंस सबके लिए ज़रूरी है। जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो भी इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं, उनको टेंस सबसे ज़रूरी होता है। 500 चीज़ पे ध्यान दे दीजिए, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। सबसे पहला टेंस, दूसरा नंबर आपको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, देन तीसरा नंबर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, चौथा नंबर प्रीपोजिशन एंड पाँचवा नंबर स्पीकिंग स्किल। इन चीज़ों को देख के आप बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। मुझे खुद नहीं आता है बट नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश इन ए बेटर मैनर, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ माई एफर्ट विच आई हैव गिवन इन लास्ट 2 मंथ्स। सो इफ़ आई कैन एबल टू लर्न इंग्लिश इन दस 2 मंथ्स, देन वाई कांट यू? यू ऑल्सो कैन, जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन दिस टॉपिक एंड लर्न फ्रॉम द वीडियोज़ ऑफ एनी वंस। आई एम नॉट सेइंग दैट यू मस्ट टू ऑब्जर्व माई वीडियोज ऑल्सो, यू कैन लर्न फ्रॉम एनी वेयर। सो जस्ट गो थ्रू इट एंड डू योर बेस्ट, कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल अंजन शर्मा, कीप शेयरिंग द वीडियो, डैट्स ऑल। जाते जाते एक छोटी सी शायरी की, हम और आप क्या हैं ये दुनिया जानती है, हम और आप क्या हैं ये दुनिया जानती है। लोग बेइज्जत करते हैं तो करने दो, लोग बेइज्जत करते हैं तो करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे माँ और मेरे बाप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। जय हिंद। अपने माँ बाप के लिए ऐसे ऐसे पढ़िए पढ़िए और लाइफ में कुछ बनिए। बी समथिंग, आई विल प्राउड इफ़ यू विल बी समथिंग। सो डैट्स ऑल, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।